चिनूक, यानी वो शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जो युद्ध की परिस्थिति में भारी से भारी हथियारों को या ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। फ्लाईपास्ट में एकलव्य फॉर्मेशन में दिखाई देंगे एक Mi-35 और चार अपाचे हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना में कुछ ही साल पहले इंडक्ट हुए अपाचे हेलीकॉप्टर्स के नाम से ही दुश्मन कांपता है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, एक अटैक हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना की क्षमता पूरी दुनिया में कई गुना इसके साथ बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मसलन ये कि जब यह हवा में उड़ान भरता है तो हवा से हवा में मार रखने करने की क्षमता देता है। अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम है, हर तरह के मौसम के अनुकूल, युद्ध की स्थिति में अचूक, और उड़ान के दौरान अगर दुश्मन का निशाना भी लग गया तो नुकसान झेलने की क्षमता भी है। इसके नोज पर सेंसर लगा होता है जिससे टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। फाइटर प्लेन्स की तरह ये भी दुश्मन के क्षेत्र में आतंक निरोधी एक्शन में सक्षम है। ये डेफिनेटली अपना जो फायर पावर और एक्यूरेसी है इसमें गेम चेंजर है। फ्लाईपास्ट की शान बढ़ाने में इसके बाद आकाश पथ से C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान नजर आएंगे। ये वही हर्क्यूलिस विमान है जिन्हें हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया गया था। दिखने में बहुत भारी भरकम, नाम है हर्क्यूलिस, लेकिन ये रेत से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड कर चुके हैं। कहने का मतलब ये कि इन्हें कहीं पर भी लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए जिस तरह के ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह की आवश्यकताएं होती है, बहुत कारगर, बहुत सटीक साबित होते हैं। लेकिन उसके साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो हाथ इन्हें उड़ाते हैं, जो पायलट इनमें सवार होते हैं, उनकी भी सूझबूझ, उनकी भी शक्ति बेमिसाल होती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि जितना बड़ा इसका साइज है, जितना इसकी ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जिस तरह की एंड्योरेंस है, उसके हिसाब से इसको जो लैंड और टेक ऑफ करने के लिए जो रनवे की पट्टी चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है, और हम अनप्रिपेयर्ड सरफेस में भी इसको लैंड एंड टेक ऑफ करा सकते हैं। वायुसेना के ये जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं उनकी अपनी महत्ता होती है। युद्ध क्षेत्र में अगर सैनिकों को बड़ी तादाद में पहुंचाना हो तो उसमें कारगर, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि जिन देशों में कोई कठिनाई होती है, लोगों को वहां से निकाल कर लाना होता है, तो एयर लिफ्ट भी यही करते हैं। ये वही विमान है जो अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारतीयों को रेस्क्यू करके लाए थे। वायुसेना के जाबाज राजपथ के ऊपर से देश की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और ये ऐलान करते हुए जाएंगे कि हम वो आंधी हैं जिसके सामने दुश्मन पल भर को टिक नहीं सकता।